दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं महान वैज्ञानिक थॉमस एडिसन के बारे में। थॉमस अल्वा एडिसन बहुत ही मेहनती एवं जुझारू प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। बचपन में उन्हें यह कहकर स्कूल से निकाल दिया गया कि वह मंदबुद्धि बालक है। तब एडिसन की मां ने एडिसन को स्कूल से निकाल दिया और उसे घर पर ही पढ़ाने लगे। जब एडिसन की माँ ने घर पर उसका अध्ययन शुरू किया, तब वह घर में नई चीजें सीखने के लिए बहुत उत्साहित था। एडिसन ने घर पर ही सभी प्रयोग करना शुरू कर दिया। उसी थॉमस एडिसन ने कई महत्वपूर्ण आविष्कार किए, जिसमें से बिजली का बल्ब प्रमुख है, एवं उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोट काउंटर मशीन, यूनिवर्सल स्टॉक प्रिंटर, इलेक्ट्रिक पेन, फोनोग्राफ आदि का आविष्कार किया। सचमुच वे महान वैज्ञानिक थे। उन्होंने बल्ब का आविष्कार करने के लिए हजार बार प्रयोग किए थे, तब जाकर उन्हें सफलता मिली थी। थॉमस एडिसन ने वास्तव में अपने पूरे जीवन में कड़ी मेहनत की। अन्य लड़कों के साथ वो अखबार बेचे, यहाँ तक कि वे अपने परिवार के खेत में से सब्जियां भी लेते थे और उन्हें स्टेशन पर बेचते थे। एक बार जब वह बल्ब बनाने के लिए प्रयोग कर रहे थे, तभी एक व्यक्ति ने उनसे पूछा, आपने करीब 1000 प्रयोग किए, लेकिन आपके सारे प्रयोग असफल रहे और आपकी मेहनत बेकार हो गई, क्या आपको दुख नहीं होता? तो एडिसन ने कहा, मैं नहीं समझता कि मेरे 1000 प्रयोग असफल हुए हैं। मेरी मेहनत बेकार नहीं गई, क्योंकि मैंने 1000 प्रयोग करके यह पता लगा है कि इन 1000 तरीकों से बल्ब नहीं बनाया जा सकता। मेरा हर प्रयोग बल्ब बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा है और मैं अपने प्रत्येक प्रयास के साथ एक कदम आगे बढ़ता हूँ। तो दोस्तों, थॉमस अल्वा एडिसन ने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी। तो मोरल ऑफ द स्टोरी यही है कि उन्होंने एक कड़ी मेहनत की और दुनिया के सामने वह महान आविष्कार है। कि दोस्तों, हमें पहले प्रयास में हार नहीं माननी चाहिए और सफलता पाने के लिए हमें बार बार प्रयास करना चाहिए। हमें हमेशा आशावादी बने रहना चाहिए। हमारा हर प्रयास हमें एक कदम आगे बढ़ाता है और हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे हमारे लिए सफलता के रास्ते खुल जाते हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें। धन्यवाद।